अरे तसली को या ध्यान ये रहा जी वीक अरे दाजू मैं बतू विशाल नहीं जागर नहीं लगा रहे चेटक की खाली चेटक क्यों अरे क्या चेटक नहीं है पगला का टीवी मार ले गए हर बार के जाओ से बाहर ले अरे पहले अस्पताल दिखा ले पर वो बात दिखाए जागर ने लगाए नॉट ने लगाए भागवान लगाए अरे वो क्या मास पर से खिचड़ी ठीक है दाजू अरे क्या बैठो अरे बताओ यार क्या हो गया क्या हुआ अच्छा हो गया ना सरपंच जी अब इनको जो है एक दो हफ्ते से बारिश हो रही है अरे अरे ये बीमारी इसको मैं बैठ भी हूँ ना हाँ आज हो जाता है अरे ये टीवी हो गई अरे ये अरे भाई यार दूर भटकने पे मरीज ने लगा देखो उस हौसला बदल छू इसलिए भारत सरकार द्वारा योजना चला की अरे टीवी है दो हफ्ते से मैंने इसके सामाजिक कार्यकर्ता इसको दवाई खिलाना इसको 500 रुपया आपको मिलेगा इसकी पहचान कराना डॉक्टर यह निःशुल्क इलाज छू इलाज में तो डबल लग रही है देखो बताओ भाई अस्ताल बलगमा जान निःशुल्क दवाई जो निःशुल्क मिला इलाज फ्री में और एक चीज आज सुबह और जब यह उपचार चलना है तो 6 महीने जाने 500 रुपए हर महीने पोषक आहार नहीं मिला आप समझी नहीं डॉक्टर का डबल ड्यू है तब जाने इलाज हो अरे नहीं 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 डॉक्टर को डबल इलाज छू अच्छा हमन का मिला ला अरे तमिल का मिला था यार रोगी का मैं रोगी जो छू ना 1000 रुपये का जो प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा जी पता सुन योजना छू मैं तय सुनी की मैं तू कोई दवाई होनी है मुझ तो भर दे वो सब दवाई जो फ्री का छन फ्री सब फ्री मिला मजा आ गया अरे यार झूठ के बुलाने पूछ ले तू यार ओ लगा दो ओ बना नाम दो चंखा हो जो अच्छा यार अरे इसको दवाई खिला दी है अब हो जाएगा ये बरोबर हॉस्पिटल जाके बलगम जांच में पहले अस्पताल जाना पड़ा बलगम जांच डॉक्टर का देखन तो बात तुम्हारा जांच करा जिले का अस्पताल मार बता और तुझे लापरवाही करा ना तो जाकर आकर चक्कर में लगो ना भूत उच्च पूछा टीवी अरे ये तिवारी जी भी बड़े हो गए देखो चलो आइए अरे ये 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 चार जी बोला बता तिवारी जी क्या करना अभी सही हो गए सही हो गए आज भी ठीक हुई है ना और ये देखो क्या आरो फ्री में इलाज
सबसे पहले आप लोग हमारे जो नुकसान आ रहे जगह आशा करने उम्मीद करना तुम्हारा जोड़ भर लगन क्या की हो छह लोग दिवस हमारे भारत सरकार योजना छो और हमारे जिला चिकित्सा जो कर्मचारी हैं जो शिविर साहब उन्हें प्रचार प्रसार योजना चला रहे क्योंकि आप लोग जो है जो भी हमारे जनपद में जो हमारे टीबी मरीज सन या क्षय रोग का मरीज सन उन्होंने जो हमारे दवाई मिलना और अस्पताल निःशुल्क इलाज छो फ्री में इलाज छो और छह महीने दाने जो रोगी छो वो रोगी का जो छह महीने दान जो छो पोषक आहार लीजिए 500 रुपये मिला हर महीने और जो देख रेख करो भल कर उनका 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो पूरा 2030 आने एमए जो चुके मंजू कि पूरा विश्व का जो टीबी पे जो मुक्त करना चाहो और भारत सरकार कि 2025 तक जो छो ये क्षय रोग का दूर करी जान टीबी का दूर करी जान टीबी भगाई जान और हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा 2024 तक उत्तराखंड का टीबी मुक्त राज बनो छो तो ये सफल रहे की जो दिन हमारे घर चल और घर जब दिखो बतौन छो कि टीबी जो जो संक्रामक रोग छो या 10,000 फैलो और यह रोग का जो अपन दूर करना है बल्कि वो सपोर्ट करो वो सहयोग करो हो नजदीकी अस्पताल में ले जाके अपना दिखोण छो वो जांच करो हो पूरा दवाई फिर इलाज फिर छो और प्रोत्साहन पोषक जो पोषक आहार छो जो उन्हें खाने पीने दवाई व्यवस्था दो 500 रुपये का जो साबल जो का आहार दे दी जाए और 6 महीने निःशुल्क इलाज छो और टीबी मुक्त हमें उत्तराखंड राज करो टीबी मुक्त भारत बनो छो टीबी मुक्त हमें पूरा विश्व करो छो तो तय लीजिए एक बार जोर देता है जी हमारे जिला चिकित्सा अधिकारी बहुत अच्छी बात गई आर भी और अब जो है आरपी भैया हमारे और इसको लीड रोल था इनका और इनसे पूछते हैं आरपी भैया क्या चल रहा था आज आप सभी को नमस्कार जैसा कि दो चीज़ें मुख्य होती हैं कि खांसी अगर आदमी को होती है तो आदमी कहता है कि कोरक सिरप पी लो खुद ही वो अपना उपचार करने लग जाता है ये नहीं सोचता कि खांसी के पीछे का लॉजिक कुछ और हो सकता है तो अगर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी होती है तो उसको सबसे पहले टीबी की जांच करानी चाहिए उसके लक्षण ये हैं कि रात को बुखार आना लगातार थकान होना 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी होना खांसी में बलगम के साथ खून आना ये टीबी के मुख्य कारण हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर खांसी है तो टीबी ज़रूर होगी मगर अपनी जानकारी के लिए अपने बचाव के लिए टीबी का जाँच जरूर करानी चाहिए निःशुल्क है पूरे 6 महीने का कोर्स डॉट कराती है और 6 महीने के अंतर्गत व्यक्ति को पोषण के लिए 500 रुपये भी 2016 के बाद सरकार दे रही है और साथ ही साथ इसमें एक नई चीज़ जुड़ी है कि जो व्यक्ति डॉट्स टीबी से पीड़ित है उसका जो इलाज कर रहा है जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसको भी भारत सरकार पूरे 6 महीने के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 1000 रुपये की राशि भी देती है अगर उसका टीबी 6 महीने के अंतर्गत सही हो जाता है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क है इसमें 3 बार बलगम की जांच होती है तो अगर आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है रात को बुखार आता लगातार और अगर आपको थकान होती है तो आप टीबी की जांच एक बार जरूर कराएं और देखिए बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ आरपी भैया का और उनकी पूरी टीम का देखो जागरूक करना बहुत अच्छी बात है और ये बीमारी बहुत भयानक बीमारी थी और जब इसका इलाज नहीं होता था तो आदमी तिल तिल के मरता था लेकिन भारत सरकार द्वारा निःशुल्क इसका इलाज किया जाता है और 6 महीने का कोर्स और अब तो ये है कि अगर आप किसी टीबी के रोगी को अगर अस्पताल तक ले जाते हैं तो उसमें 500 रुपया उस व्यक्ति को और जो टीबी का रोगी है उसे 1000 रुपया समथिंग कुछ ऐसा मिलता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जानकारी के माध्यम से नुक्कड़ माध्यम के माध्यम से पता लगा आप सभी देखने वालों का धन्यवाद और भानु तिवाड़ी जी का बिल्कुल डांस के साथ वो इसका एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आज का ये लाइव शो यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कभी ये कोई अच्छा सा नुक्कड़ नाटक या कोई ज्ञानवर्धक चीज़ें होती हैं तो आपको फिर दिखाए जाएंगे तब तक के लिए नमस्कार।